तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आई ड्रॉप्स के ऊपर। आजकल बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैं टर्टल्स का आई इन्फेक्शन हो गया, टर्टल खाना नहीं खा रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी, किस तरह उसको ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स इसी के ऊपर आ रहे हैं। जैसा कि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट्स मुझे ज़्यादा आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं आज वो टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों इस तरह प्रॉब्लम्स होते हैं कि टर्टल्स के आई जो है उसके ऊपर लेयर बन जाते हैं, उसके आंख जो है वाइटनेस बन जाता है उसको, उसके बाद वो खाना बंद कर देता है। कभी कभी एक महीना होता है, कभी कभी दो महीना होता है, खाना ही खाना वो बंद कर देता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेन रीज़न जो है वो पानी ख़राब होने की वजह से। पानी बहुत गंदा रहता है, पानी के अंदर ये पेशाब भी करते हैं, गंदा भी करते हैं, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा गंदा ही करते हैं, तो पानी बहुत जल्दी गंदा होता है। उसी पानी में ये खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। एक हफ्ता भी अगर उसके अंदर रख दे उसी गंदे पानी के अंदर, इसके उनकी आँखों के अंदर जिल बनना शुरू होता है, वाइटनेस बनना शुरू होता है, उनकी आँखें कभी कभी बंद भी हो जाती हैं और वो आँखें खोल नहीं पाते। जब तक ये आँखें खोल नहीं पाते तब तक आप कोई भी फूड दो वो नहीं खाएंगे। जब तक वो फूड को नहीं देखते वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्मेल में नहीं खाते। जैसा कि फिशेज जो है कभी कभी आँख ना हो तब भी स्मेल में आकर खा लेते, लेकिन टर्टल ऐसा नहीं है। जब तक वो देखते नहीं वो खाते नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका टर्टल का ट्रीटमेंट आई ड्रॉप से करें। बहुत सारे ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कौन से ड्रॉप डालें कौन से नहीं डालें। तो मैं दो मोस्ट यूज़फुल ड्रॉप्स आपको दिखाऊंगा कि इसे मैंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट की है मेरे टर्टल्स को, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, तो वो लोग भी इसको यूज़ करके बहुत सारे सभी लोग सक्सेसफुल इसको यूज़ कर चुके हैं। तो दो ड्रॉप्स हैं, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। एक है सिप्लॉक्स डी करके, सिप्लॉक्स में बहुत सारे ब्लू कलर में भी आता है, लेकिन सिप्लॉक्स डी जो है बहुत यूज़फुल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टायोकाई ड्रॉप्स जो बहुत कॉस्टली होता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये तक मिल जाता है, लेकिन ये सिप्लॉक्स डी जो है आपको 20 रुपीज़ से मिल जाता है, 20 to 18 रुपीज़ तक मिल जाता है। टायो का वही होता है, यही ये लोग जो क्या करते हैं इसे जो मिलते हैं मेडिसिन इसी को रीपैकिंग करके अपना नाम डाल के बेच देते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहे तो आपके एक्वेरियम स्टोर मिल रहा है तो ले सकते हो, नहीं तो सिप्लॉक्स डी जो 20 रुपये में मिलता है वो ले सकते हो। अब हो गया मेडिसिन का कि कौन सा मेडिसिन लेना है, तो मेडिसिन का क्लियर हो गया। अभी कितना टाइम कौन से समय में कैसा इस्तेमाल करना है वो सीरियसली बात करेंगे, थोड़ा वीडियो गौर से सुनना या देखना जो भी है। तो मेन क्या है, टर्टल को जब ये आंखें बंद हो जाती हैं तो इसको क्या करना है, आप सनलाइट में रखना है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सनलाइट में रखना है। जब ये डेली मॉर्निंग में बोल रहा हूँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं, एक चीज़ का ध्यान रखो, 10 से 15 मिनट के ऊपर सनलाइट में आपको टर्टल नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा आधा घंटा एक घंटा सनलाइट दे दोगे तो इनको सनस्ट्रोक आ जाता है, मतलब चक्कर आ जाता है, इस तरह के होकर मर जाते हैं। इसलिए 10 से 15 मिनट ज़्यादा मत दें, मॉर्निंग में 8-10 बजे दो सनलाइट आती है उसमें रख दें, इस तरह पकड़ के रखना है सनलाइट को। जब ये सनलाइट आती है तो इसको पकड़ के रखें, एग्जांपल अभी सनलाइट आ रहा है तो इसको पकड़ के रखें। जब ये आँख खोलने की कोशिश करे तब क्या करना है, आपको इस आई ड्रॉप्स को उसकी आँख में डाल देना है, जितना भी हो इस दोनों आँख में भी डाल देना है, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप आप जितना डाल सकते हो डालो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आँख में डाल देना है और कोशिश करो कि वो आँख। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सनलाइट देते होंगे पता नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ, तो 2-2 महीना होते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता। ये क्यों होता है, देखिए डिपेंड होता है ड्रॉप्स कितने टाइम उसकी आँखों के अंदर जा रहा है, ऊपर कितना भी डालो 10 बार डालो ये ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। मेन क्या हो, जब ट्रीटमेंट होता है जब उसकी आँख के अंदर वो एंटर हो मेडिसिन, जब ये क्योर होता है, तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट रखना, क्योंकि सनलाइट की वजह से सारे आँख खुल जाते हैं। तो सनलाइट की वजह से डायरेक्ट पकड़ोगे तो वो पूरे आँख थोड़ा ना थोड़ा खोलने की कोशिश करेगा, उस टाइम पर क्या करना है आई ड्रॉप डाल देना है। आई ड्रॉप डालने के बाद अंदर लेके आओ या कहीं दूसरी जगह रखो, डायरेक्ट सनलाइट से मत रखो, अलग रखो, 4 घंटे उसको ड्राई एरिया में रखना है। 4 घंटे ड्राई एयर में रखोगे तो मेडिसिन थोड़ा बहुत काम करेगा, तो फिर दोबारा आप नॉर्मल पानी में डाल सकते हो। इस तरह डेली 2 टाइम करना है, मॉर्निंग 8 बजे 10 बजे रखो सनलाइट दो, फिर इवनिंग जो सनलाइट आता है 6 बजे या सूरज डूबने से पहले 5-6 बजे आता है, उस टाइम पे भी सेम आई ड्रॉप डाल के सनलाइट पे पकड़ के रखना है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप जॉब करते हो कहीं काम नहीं मिल पाते, कहीं दूसरी जगह बिजी रहते हो, डेली 1 टाइम करो, मॉर्निंग टाइम पे 8-10 बजे सनलाइट दिखाओ, जब ये खोलने आँख खोलने की कोशिश करे तो आई ड्रॉप डाल दो। तो इस तरह मिनिमम आपको 2 हफ्ते करना है, 15 दिन से 10 से 15 दिन तक टाइम लगेगा, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। आप टेंशन मत लेना, ट्रीटमेंट चालू रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेजार आ जाते हैं, बोलते हैं कि अभी 1 महीना हो चुका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फिशेस की तरह है, फिशेस क्या होता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते विद इन 4 to 5 days रिक्वायर हो जाती है, लेकिन टर्टल्स का ऐसा इशू नहीं। टर्टल का बहुत ज़्यादा इशू आता है आँखों का ही आता है, और आँखों की वजह से खाना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 1 हफ्ता अगर 1 महीना अगर ये खाना नहीं खाए तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा, टेंशन मत लो। अगर 1 महीना ये खाना नहीं खाता है तब भी ये ज़िंदा रह जाएगा, तो फिर आप फॉलो करो ट्रीटमेंट को,
ट्रीटमेंट चालू करते रहना है, आई ड्रॉप डालते रहना उसकी आंखों के सामने, उसकी आंखों के ऊपर। और एक चीज़ का ध्यान रखें, डेली हर दो दिन में या डेली जो है उसका टैंक का पूरा पानी चेंज करते रहना, क्योंकि पानी ज़्यादा चेंज करते रहोगे पानी क्लीननेस रहेगा, जिसकी वजह से और हेल्प होगा इसकी आंखों को रिकवर करने में। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखो, डेली जो है आई ड्रॉप डालो, सनलाइट पकड़ो 10-15 मिनट आई ड्रॉप डालो, फिर 4 घंटे ड्राई एरिया में रखो, पानी चेंज करते रहो, क्लीन रखो पानी, धीरे 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 जो है ये रिकवर हो जाएगा। तो यही इजी स्टेप्स हैं, इससे अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसी सिप्लॉक्स का, अगर आपके पास टायो का नहीं मिल रहा है तो सिप्लॉक्स का डीम करके आता है, सिप्लॉक्स में बहुत सारे आते हैं, इसमें ब्लू कलर का आता है, यहाँ पर जो है येलो कलर का है, इसमें ब्लू कलर का भी आता है। ये सिप्लॉक्स डी जो बहुत यूज़फुल है, बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक देते रहते हैं कि बहुत यूज़फुल होता है, अच्छा काम कर जाता है। तो दोनों में से एक इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं है आपके पास, अगर ये दो चीज़ों में आपके पास नहीं मिल रही है, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस का जो लेंस सोल्यूशन आता है वो भी इस्तेमाल करें। हालांकि ये बहुत टाइम लगता है इसमें रिकवर होने में, ये बहुत कम यूज़ करो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एरिया में दो भी मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, सिप्लॉक्स भी नहीं मिल रहा है, आई ड्रॉप्स मिल रहा है, तब आप कॉन्टैक्ट आई लेंस आता है ये इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी थोड़ा कॉस्टली होता है, 300 रुपीज़ से मिलता है, रिनो का आता है, लेकिन ये बहुत कम इफेक्टिव होता है कंपेयर टू दिस टू, ये बहुत कम इफेक्टिव होता है। ये कभी कभी एक महीना डेढ़ महीना टाइम लग जाता है इसमें काम करने में, इसलिए बेटर है कि आप ये दो इस्तेमाल करो, सिप्लॉक्स आईटाइयो आई ड्रॉप्स। तो इसको फॉलोअप करना, 100% आपका टाइटल सही हो जाएगा। और एक महीना खाना ना खाए तभी टेंशन मत लेना, ये एक महीना आप सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट फूड, उसके बाद खाना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। और सही होने के बाद भी आप 4 घंटे बाहर रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये सही हो जाते हैं, आंखें खोलना शुरू कर देते हैं, फिर पानी में डालते हैं, तो पानी के अंदर पानी जो होता है वो कभी कभी इनकी आंखों को अभी क्योर 100% नहीं होते रहते हैं, फिर आंखें बंद करके बैठे रहते हैं पानी के अंदर। इसलिए क्या करना है, सही होने के बाद भी एक हफ्ते तक डेली जो है 4 घंटे ड्राई एरिया में रखना है, ड्राई एरिया में रखो, कहीं भी टब में रखो या बाहर रखो, 4 घंटे रखो एक हफ्ते तक, उसके बाद में नॉर्मल पानी में छोड़ दो। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है, तो इससे क्या होता है 100% आपके टर्टल्स का जो है इलाज हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, अगर कोई भी पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स फिशेस के ऊपर, टर्टल्स के ऊपर लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।